नमस्कार दोस्तों और वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है हिंदी ऑटोमोबाइल्स चैनल पर। और दोस्तों, आज की लेटेस्ट न्यूज़ है भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स की तरफ से। और दोस्तों, टाटा मोटर्स अपनी एक ऐसी गाड़ी का लेटेस्ट वर्जन, इलेक्ट्रिक वर्जन लाने वाला है। हालांकि टाटा की नेक्सॉन, टियागो, टिगोर का वर्जन आ चुका है, लेकिन इस गाड़ी की बात ही कुछ और है। और ये गाड़ी रही थी बिल्कुल रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट, टाटा नैनो। बेशक अब ये बाज़ार से हट चुका है इसका पेट्रोल वेरिएंट, लेकिन अब ये छोटी कार आने वाली है इलेक्ट्रिक अवतार में भी। तो बिल्कुल तगड़ा कंपटीशन क्रिएट होने वाला है टाटा द्वारा अब इलेक्ट्रिक सेगमेंट के अंदर भी। और दोस्तों, ये इलेक्ट्रिक वर्जन की नैनो शीघ्र लॉन्च होने वाली है और इसे स्पॉट किया गया है पुणे में और भी देश में कई जगह। और दोस्तों, ये चल रहा है जेएम नियो के वेंचर्स के साथ में। अगर आप नहीं जानते हैं जेएम क्या है, तो दोस्तों ये वही कंपनी है जिसके साथ टाटा मोटर्स ने टियागो का जेटीपी वर्जन लॉन्च किया था। और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस कार को शीघ्र लॉन्च किया जाने वाला है, कई इसके वेरियंट्स आने वाले हैं। और दोस्तों, इसका प्रोडक्शन मॉडल बिल्कुल तैयार हो चुका है। और जैसा आपको बताया, इस गाड़ी को, इस इलेक्ट्रिक कार को टेस्टिंग के समय पुणे में स्पॉट भी किया गया है। और दोस्तों, टाटा मोटर्स और नियो की साझेदारी के करीब आफ्टर 2 ईयर्स बाद रिपोर्ट सामने आई है कि इसकी फर्स्ट गाड़ियों की खेप लेने वाला है ओला इलेक्ट्रिक, क्योंकि ओला ने टाटा मोटर्स फाइनेंस से 40 करोड़ का डेट फंड हासिल किया है इस गाड़ी को परचेज करने के लिए। और दोस्तों, ये गाड़ी जब लॉन्च होगी तो सबसे पहले ओला इसे सिटी टैक्सी के रूप में प्रयोग करेगा। इस गाड़ी की क्या रेंज होने वाली है, क्या प्राइस होने वाली है, सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ हम शेयर करते हैं। और दोस्तों, इसी तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अपडेट के लिए आप चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल का आइकॉन जरूर दबाएं, क्योंकि आप चैनल पर देख सकते हैं अपनी सभी मनपसंद गाड़ियों के लेटेस्ट रिव्यू, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। और दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार टाटा नैनो इलेक्ट्रिक में 17.7 किलोवाट की क्षमता का 48 वोल्ट का इलेक्ट्रिक मोटर प्रयोग किया गया है। और यह मोटर सप्लाई किया गया है उसी कंपनी द्वारा, इलेक्ट्रा ईवी द्वारा, जिसके लिए टियागो और टिगोर के लिए भी इलेक्ट्रिक मोटर सप्लाई ली गई थी। और दोस्तों, दोनों कंपनियों के एग्रीमेंट के अनुसार टाटा मोटर्स और जेएम मोटर्स मिलाकर बना रहे हैं, जो कि कोयम्बटूर बेस्ड कंपनी है, इलेक्ट्रिक नैनो। अब बात करते हैं इसके बारे में है कि इसका ड्राइविंग रेंज क्या होगी। बहुत ही दिलचस्प जानकारी है दोस्तों, इस छोटी सी गाड़ी की ड्राइविंग रेंज बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। 200+ यानी कि 203 किलोमीटर तक की ये ड्राइविंग रेंज देगी। टॉप स्पीड भी होगी 85 किलोमीटर तक। और दोस्तों, इसमें एसी और सभी कंफर्ट के फीचर्स मिलने वाले हैं। और तो दोस्तों, आपको गाड़ी इन फीचर्स के साथ कैसी लगती है? और जहां तक इसके प्राइसिंग की बात है दोस्तों, ये मार्केट में अवेलेबल सभी गाड़ियों को बहुत ही तगड़ा कंपटीट करने वाली है, यानी कि उन गाड़ियों से जो खुद टाटा की हैं, चाहे वो टिगोर ईवी है या टियागो है, सबको तगड़ा कंपटीशन देने वाली है। तो काफ़ी कम प्राइस में ये गाड़ी लॉन्च होने वाली है। फ्यूचर में हम आप इसका डिटेल्स रिव्यू भी आपके लिए शेयर करने वाले हैं दोस्तों। इस बारे में कॉन्टैक्ट किया जा रहा है, तो जैसे ही हमें इन्फॉर्मेशन अपडेट होती है, आपके लिए नैनो इलेक्ट्रिक का फुल रिव्यू लाया जाएगा। तो आपको कम प्राइस में हाई फाई रेंज यानी 200 किलोमीटर का रेंज देने वाली इस छोटी सी गाड़ी कैसी लगती है? ऑल सेफ्टी फीचर्स इसमें मिलेंगे, चाहे वो ABS है, EBD है। तो दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ लेटेस्ट ऑटोमोबाइल्स न्यूज़ के लिए। नमस्कार दोस्तों।